This is Sambi, a student and a freelancer who earns 30,000 rupees a month and also enjoys his college life. He goes to parties, vacations, but how does he do all of this? So, आज के इस वीडियो में आपको एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा जिसको फॉलो करके यू कैन अर्न 30,000 रुपीज अ मंथ एज अ स्टूडेंट। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो तो आपके जो भी सारे सवाल है रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग, जैसे स्टार्ट कैसे करें, चार्ज कैसे करें, या आपका फर्स्ट क्लाइंट आपको कैसे मिलेगा, इन सब के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप, विच इज नोइंग एंड मास्टरिंग अ स्किल। अभी ऐसे बहुत सारे स्किल्स है जो आप सीख सकते हो विच विल हेल्प यू टू अर्न एज अ फ्रीलांसर, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, थंबनेल एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग एंड सबटाइटल राइटिंग। अब इसमें से एक स्किल उठाओ, उसे सीखो। अब देखो, एक स्किल को सीखने के लिए टाइम तो जरूर लगेगा पर पैसे बिल्कुल नहीं। बिकॉज अगर आपको वीडियो एडिटिंग सीखनी है उसके लिए बेस्ट और फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ना, डिविंची रिजॉल्व। अगर आपको कंटेंट राइटिंग करनी है तो चैट जीपीटी, ग्रामरली, नोशन, ये सारे फ्री सॉफ्टवेयर्स और ये सारे फ्री रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में होंगे। आपको जो भी स्किल सीखनी है उसके लिए उसका एक सेक्शन होगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे क्लिक करो, आपको रिसोर्सेज, आपको सॉफ्टवेयर्स, आपको सब प्लगइन्स, टेम्पलेट सब मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करना है, वहाँ से वीडियोज वॉच करना, और आपको स्किल सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो अभी आता है सबसे डिफिकल्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट, हाउ टू फाइंड योर फर्स्ट क्लाइंट। देखो, यही पे सबसे ज्यादा लोग मिस्टेक कर देते हैं और इसके वजह से उनको जल्दी क्लाइंट नहीं मिलते या फिर क्लाइंट ही नहीं मिलते। देखो, ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज है ऑनलाइन जहाँ पे आपको क्लाइंट मिल सकते हैं, फाइवर, अपवर्क, बट मैं इन सारे वेबसाइट पे आपको रेकमेंड नहीं करता। मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप रीच आउट करो कोई यूट्यूबर्स को, मीडिया हाउसेस को, ईमेल करो। अब ईमेल करने का भी एक तरीका होता है। अगर आप ऐसे ईमेल करोगे, हे आई एम समीर शिंदे, आई एम अ वीडियो एडिटर और मैं बहुत ही किलर वीडियो एडिट करता हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, तो भूल जाओ कि आपको कभी रिप्लाई मिलेगा और आपको कभी काम मिलेगा। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये एक ईमेल है, मेरे को आया है फ्रॉम अ वीडियो एडिटर, और इसने ये क्या लिखा है ये रीड करो भाई। अगर ऐसा लिखोगे तो क्यों एक क्रिएटर तुमको जॉब देगा? और इसने कोई रिसर्च भी नहीं किया, इसको खुद को पता नहीं कि मैं खुद एक वीडियो एडिटर हूँ और मैं अपने चैनल के लिए किसी को क्यों हायर करूंगा भाई। वीडियो एडिटिंग करना मेरे को पसंद है। और इसने जो मुझे सैंपल भेजा है, ये देखो, ये मेरे एक वीडियो का सैंपल है। क्या है भाई ये, क्या है ये? और ऐसे करके तुम चाहते हो कि कोई क्रिएटर आपको जॉब दे? अब मैं बताऊंगा आपको कि ईमेल को कैसे लिखना है। सबसे पहले जिस यूट्यूबर या जिस क्रिएटर के लिए आप काम करना चाहते हो उनके कंटेंट को स्टडी करो, उनके कंटेंट में क्या कमी है और वो कमी को अगर आप फुलफिल कर सकते हो या नहीं। अगर ऐसी कोई कमी आपको पता है तो उसे नोट डाउन करो, उसको आप कैसे हेल्प कर सकते हो वो देखो, और एक सैंपल क्रिएट करो, उस वीडियो को डाउनलोड करो, वीडियो में जो कमी है उसको फिक्स करो, और उस क्रिएटर को ईमेल ऐसे करना है कि हे समीर, आई लव योर कंटेंट, आई हैव बीन वॉचिंग योर कंटेंट सिंस लास्ट 2 मंथ्स, और मैंने कुछ फ्लॉज देखे आपकी वीडियो में, कलर ग्रेडिंग अच्छी नहीं है, ऑडियो बहुत ही डिस्टॉर्टेड होती है, मैंने उसको भी इम्प्रूव किया है, और मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, आई कैन हेल्प यू आउट विथ योर कंटेंट। अब ये देख के क्रिएटर को लगता है कि हाँ, आप एक जेन्युइन बंदे हो, आपको आपका काम आता है, एंड यू कैन हेल्प हिम आउट, तो वो आपको जरूर हायर करेगा। सो दिस इज वन वे यू कैन गेट अ क्लाइंट, एंड दिस इज अ वेरी सस्टेनेबल वे। अगर आप ऐसे करते हो तो आपके कनेक्शन बहुत अच्छे बनते हैं और आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं। अब स्किल भी आ गई और क्लाइंट भी आ गया, बट क्लाइंट को चार्ज कैसे करना, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है सबके मन में, और इस क्वेश्चन का आंसर कभी आपको मिल नहीं पाता है, और इसकी वजह से आप अंडर चार्ज कर लेते हो। और इसका एक बेसिक आंसर है, इट डिपेंड्स। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियो एडिटर्स देखे जो 500 में भी एडिट करते हैं, 5000 में भी एडिट करते हैं, और 50,000 में भी एडिट करते हैं। सो दिस इज क्रेजी कि हाउ द नंबर चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। देखो, अगर आप एक बिगनर हो तो बेसिकली यू कैन नॉट चार्ज 50,000 एक वीडियो के, बट यू कैन चार्ज अ बेसिक अमाउंट, अ वेरी गुड अमाउंट। मैं आपको एक रफ आउटलाइन देता हूँ कि आप अगर एक बिगनर हो तो आप एक वीडियो एडिट करने के लिए एनीवेयर फ्रॉम 1,000 rupees टू 4,000 rupees चार्ज कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट्स एडिट करते हो एनीवेयर फ्रॉम 300 टू 1,000 rupees आप चार्ज कर सकते हो एक शॉर्ट के लिए। अगर आप थंबनेल एडिट करते हो फ्रॉम 250 टू 1,000 फॉर अ थंबनेल। तो अगर आप स्क्रिप्ट लिखते हो तो फॉर 300 टू 2,000 स्क्रिप्ट, अगर ऐसे आप चार्ज कर सकते हो। देखो, बहुत सारे वेज होते हैं चार्ज करने के लिए, आपको कितना टाइम लगता है, आपकी कितने स्किल्स यूज होते हैं, और आपकी स्किल का लेवल क्या है। अगर आप बिगनर हो तो यू आर गोना चार्ज लेस एट फर्स्ट, जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ती है, जैसे जैसे स्किल आपकी इंप्रूव होती है, जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता है, यू कैन इंप्रूव द प्राइसिंग और आप प्राइसिंग को बढ़ा सकते हो। तो ये एक मैंने बेसिक आउटलाइनिंग दे दी कि यू कैन चार्ज दिस मच, एंड ऑलवेज ओवर
डिलीवर देन यू प्रॉमिस विच इज गोइंग टू हेल्प यू. फिर क्लाइंट को पता चलेगा कि यार आप जितना प्रॉमिस करते हो उससे ज्यादा प्रोवाइड करते हो विच विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन टू बिल्ड रिलेशनशिप्स विद द क्लाइंट एंड टू गेट मोर वर्क फ्रॉम देम एंड फ्रॉम समवन दे नो. अगर आपको दो क्लाइंट मिलते हैं जैसे कि मैंने बोला कि दो स्किल सीखने, अगर आप वीडियो एडिटिंग भी करते हो और थंबनेल भी करते हो तो आप एक क्रिएटर को दो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो और वो आपको जल्दी काम भी देगा एंड ज्यादा पैसे भी मिलेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल आप एक वीडियो एडिट कर रहे हो क्रिएटर के लिए फॉर 4000 और थंबनेल कर रहे हो फॉर 1000 एंड यू डू 4 वीडियोस फॉर हिम अ मंथ. तो दैट वे वन क्रिएटर इज पेइंग यू 20,000 और एक और अगर आप क्रिएटर के साथ काम करते हो दो क्रिएटर आपको मिला के देंगे 40,000 रुपीज एंड दैट इज हाउ यू विल अर्न मोर देन 30,000 रुपीज. हमारा एम था 30,000 बट वी क्रॉस इट. तो ऐसे आप कमा सकते हो एज अ फ्रीलांसर एंड अ स्टूडेंट. और अगर आपको जानना है हाउ आई गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट यू कैन वॉच दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.